खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पेटीएम के ग्राहकों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के जो मामले हैं वो बीते दो महीनों के दौरान बेइंतहा बढ़े हैं। आखिर इसकी क्या कुछ वजह है और क्या कुछ पेटीएम का इस बारे में कहना है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड जो है सबसे ज्यादा इस वक्त जो रिपोर्ट हो रहा है वो शायद पेटीएम के ग्राहकों के साथ ही हो रहा है। हमारे साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट सुमित सोमानी जी हैं। सुमित जी, बीते तकरीबन दो महीने के दौरान दिल्ली पुलिस का भी कहना है और अदर एजेंसीज का भी, सिक्योरिटी एजेंसीज का भी कहना है कि ऑनलाइन फ्रॉड के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जब हमने ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, जानने की कोशिश की, तो सबसे ज़्यादा जो है वो पेटीएम को लेकर नाम सामने आया कि पेटीएम को लेकर ऑनलाइन फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहा है और उसमें भी KYC अपडेट कराने को लेकर। तो क्या कंपनी की तरफ से, क्या कंपनी को इसके बारे में जानकारी है और कंपनी की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? जो ये फ्रॉड हमारे सामने आ रहा है ये रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है। पेटीएम इसके लिए बहुत पहले से, जब से ये हमारे पास सामने आया है, हम इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं और हमने इसके लिए कस्टमर्स को जागरूक करने के लिए, उन्हें सावधान करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। उन्हें सबसे पहले हमने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे थ्रू हमने उनको कम्युनिकेट किया है कस्टमर्स को कि इस तरह के मैसेजेस को आप इग्नोर कीजिए, आप जो आपको नंबर दिया जाता है उस पर कॉल मत कीजिए, आपके KYC करने का जो सही तरीका है हमने वो बताया है कस्टमर्स को, कई बार अपने ब्लॉग भी लिखे हैं कस्टमर्स को KYC करने के जो भी तरीका है, दोनों तरीके, या तो आप ऑथराइज सेंटर KYC पॉइंट पर जाएंगे और अपना आधार के थ्रू अपना KYC करा सकते हैं, या दूसरा कुछ शहरों में और आप होम विजिट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, आपके घर पे पेटीएम का प्रतिनिधि आके आपका जो KYC है वो करके चला जाएगा एंड वो फेस टू फेस मीटिंग होगा, कोई भी रिमोटली आपका KYC नहीं होता है, ये हमने कस्टमर्स को बताया है। उसके अलावा हमने अपने सिस्टम में भी काफ़ी सारे चेक्स लगाए हैं जिसकी वजह से हम काफ़ी कस्टमर्स को फ्रॉड होने से बचा पाते हैं और उन्हें फ्रॉड होने से पहले हम उनको रीच आउट करते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आपके साथ एक फ्रॉडस्टर फ्रॉड करने का अटेम्प्ट कर रहा है, और हमने उन कस्टमर्स को हम बचा पाने में सक्सेसफुल रहे हैं। और इस चीज़ के लिए हम जो है और भी कदम उठा रहे हैं। अगर बात की जाए इन फ्रॉड केसेस की, तो बीते दो महीने के दौरान किस तरीके का रेशियो रहा है, और क्या ये कहना सही होगा कि पिछले दो महीने के दौरान वाकई में पेटीएम के जो ग्राहक हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, और कंपनी के पास रोज़ाना लगभग कितने केसेस फ्रॉड के रिपोर्ट हो रहे हैं? बेसिकली पेटीएम भारत में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिनेंशियल ऐप्स है। आज हर दूसरे तीसरे भारतीय के जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है उनके पास ये पेटीएम ऐप है, और हमारे पास दिन में 5 से 6 करोड़ ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली। तो उसके प्रतिशत में जो हमने केसेस देखे हैं, हमारे पे रोज़ाना 30 से 40 केसेस आ रहे हैं। ये केसेस लास्ट दो महीने में, जैसे आपने बताया, थोड़े बड़े हैं, लेकिन ये जो एज अ परसेंटेज है वो पीपल जो इससे इम्पैक्टेड हैं, जो लोग इससे प्रभावित हैं, वो अभी भी एक बहुत ही छोटा प्रतिशत है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपकी जो ऐप है वो बहुत पॉपुलर है, बहुत ही प्रेवलेंट है, और सब कस्टमर्स के पास अगर वो ऐप होगी तो फ्रॉडस्टर्स जो है उसको टारगेट करने के लिए उनको ये इजी लगता है, और वो कस्टमर्स को कन्विंस कर पाते हैं कि हम आपका KYC अपडेट करना चाहते हैं, हम आपका जो KYC है रिमोटली अब कर देंगे। जो ये सब जो चीज़ें हैं वो पेटीएम के ग्राहकों का, क्योंकि उनकी संख्या देखते हुए ये हमारा मानना है कि फ्रॉडस्टर्स इस पे कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन है,
वो उससे सिर्फ हम ही नहीं प्रभावित हैं, जितने भी फिनेंशियल ऐप्स हैं सब में ये एक रिस्क है। आरबीआई ने इसके बारे में बताया था और उसके बारे में लिखा है। तो सभी एप्लीकेशंस के लिए मैं ये सबको कस्टमर्स को बताना चाहता हूँ कि इस तरह की रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन के लिए अगर आपको कोई फ़ोन करके कहता है, जैसे क्विक सपोर्ट है या एनी डेस्क नाम की जो दो एप्लीकेशंस हैं वो आपको फ्रॉडस्टर डाउनलोड करने को कहता है, तो आप ना करें। और ये आपके लिए सिर्फ पेटीएम ही नहीं, आपके पूरे फ़ोन की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है आपके, क्योंकि वो फ्रॉडस्टर आपके फ़ोन में बाकी कंटेंट देख सकता है, आपके मैसेजेस फ़ोटोज़ वगैरह देख सकता है। इसीलिए कस्टमर्स के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह की एप्लीकेशंस को ना डाउनलोड करें। अच्छा, अगर इन केसेस की हम बात करें जो कि 30-40 केसेस रोज़ाना पेटीएम साइबर सेल को मिल रहे हैं, तो ये केसेस हैं कहाँ से ज़्यादा, मतलब किन शहरों से, कैटेगरी ए सिटीज से, मेट्रो से, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से, कहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? ये जो केसेस हैं ये हमारे पास टीयर वन जो सिटीज़ हैं उनसे हमारे पास ज़्यादा है आ रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में पेटीएम और भी ज़्यादा लोकप्रिय है और आज शायद हर दिल्ली NCR में हर जो नागरिक है, जो रह रहा है, जिसके पास स्मार्टफोन है उसके पास पेटीएम ऐप है। मुंबई और बाकी बड़े शहरों में भी काफ़ी सिमिलर हालात हैं। तो जो जहां पर पेटीएम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फ्रॉडस्टर्स के लिए, उस एरिया के नंबर निकाल के उन्हें टारगेट करना आसान रहता है, इसीलिए ये फ्रॉड हमने ज़्यादा उन क्षेत्रों में देखा है। अच्छा, इसके अलावा सुमित अगर बात की जाए तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ की बात होती है, जैसे बंगाल के कुछ ज़िले हैं वेस्ट बंगाल के, उसके अलावा झारखंड और बिहार का रीजन बताया जाता है कि वहाँ से सबसे ज़्यादा इस तरीके के फ्रॉड कॉल्स आते हैं और वहीं पर ये बेसिकली फ्रॉडस्टर्स का जो नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा वहीं पर है। पेटीएम का क्या कंक्लूजन है, आपकी जो इंटरनल फाइंडिंग्स हैं, आप लोगों ने जो उन नेटवर्क्स को ट्रैक करने की कोशिश की होगी, तो कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया गया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमने जब इन ट्रांजैक्शंस को हमने और जो कंप्लेंट्स आई है इनमें इन्वेस्टिगेशन करी है, हमने काफ़ी सारे इन केसेस में जिन अकाउंट्स में या जिन ब्रांचेस में ये पैसा गया है उन्हें स्टडी किया है, जिन जो एटीएम से पैसा विड्रॉ हुआ है वो किन क्षेत्रों में है, तो वो यही क्षेत्र निकल के आते हैं हर बार। झारखंड के कुछ ज़िले हैं, जामताड़ा हुआ, गिरिडीह हुआ, ये काफ़ी मीडिया में और लोगों को वैसे भी अब जानकारी है कि ये साइबर फ्रॉड विलेज के नाम से जाने जाते हैं। बिहार के कुछ एरियाज़ हैं, धनबाद के पास, गया के पास कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे ये फ्रॉडस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल के आ रहे हैं और वो ये फ्रॉड को अटेम्प्ट कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, आसनसोल के पास के जो कुछ ज़िले हैं, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास, इन क्षेत्रों से भी हमने फ्रॉड के काफ़ी मामले देखे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल सुमित जानना चाहूँगा कि बीते दो महीने के दौरान, जैसे आप बता रहे हैं 30-40 कॉल रोज़ाना आ रहे हैं, तो लगभग 2000 मामले ऐसे हैं जो पेटीएम साइबर सेल को, आपकी साइबर सेल को मिले हैं देखने को, टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट लगभग कितना होगा और हर कस्टमर के साथ में लगभग कितने का फ्रॉड हो रहा है, क्या कोई इस तरीके का पैटर्न निकल के सामने आ रहा है? सो जो हम लोगों को जो हमने मामले देखे हैं, मैं आपको क्यूमुलेटिव अमाउंट तो अभी एज ए टोटल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो हमने देखा है कि आम तौर पे जो केसेस मीडिया में या हाईलाइट होते हैं वो जनरली थोड़े लार्जर अमाउंट वाले ही होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो ज़्यादातर केसेस हैं वो उतने फ्रॉड तक नहीं पहुंच पाते। कस्टमर सावधान हो जाता है, कस्टमर उसके जो रिमोट कनेक्शन है उसे क्रॉस कर देता है, उसे कैंसिल कर देता है और इसीलिए वो लॉस को रिड्यूस कर लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमने देखे हैं उसमें 10-15 हज़ार रुपये तक का अमूमन अमाउंट रहता है। कुछ केसेस होते हैं जो 30-40-50 हज़ार रुपये तक पहुँच जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये केसेस में जब फ्रॉडस्टर का जब वो बिहेवियर देखते हैं, कस्टमर सावधान होकर जब कनेक्शन कैंसिल कर देता है, तो फ्रॉड होने से बच जाता है।
तो जाहिर सी बात है कि जिस तेजी के साथ देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, लोग बाग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जो फ्रॉड्स की संख्या है वो बीते 2 महीने के दौरान तेजी के साथ बढ़ी है। और खासकर पेटीएम को लेकर इस तरीके के तमाम एसएमएसेस जो हैं, कि चाहे वो केवाईसी अपडेट करने को लेकर हो या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने को लेकर हो, ऐसे तमाम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रोजाना अकेले पेटीएम को 30 से 40 केसेस के फ्रॉड केसेस की कॉल आती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से सबसे ज़्यादा फ्रॉड के केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि ये फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ पिछड़े या यूं कहें कि अति पिछड़े जिलों में बैठकर ये पूरा का पूरा फ्रॉड का जो नेटवर्क है वो चला रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़ नोएडा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।